हम लोगों ने क्या इस तरह का कुछ कैलकुलेशन किया है कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं 14,000 करोड़ के GDP पे बढ़ रहे हैं, कितने नए रोजगार हम सृजन कर लेंगे? क्योंकि हम प्राइवेट कंपनियां तो इधर आ नहीं रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है, तो उनको बुलाने की क्या योजना है और सरकारी जॉब के लेकर क्या योजना है? इसमें ये है कि कंपनियों को बुलाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी हुई जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक तरह से एक उदार बनी हुई है इन फेवर ऑफ ये इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ज़मीनें दी जाएगी और उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो शुरू शुरू में घाटा होता है जी, तो उसमें टैक्स होलीडे का रहेगा, प्रबंध रहेगा और सब्सिडी दी जाएगी, तो इस तरह से उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया जाएगा जी। तो आना चाहिए, वो आएंगी और एक बार इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो वो स्पष्ट है कि रोजगार भी बढ़ेगा।